आज हम वेज मराठा सब्जी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें एक मसाला रेडी करना है। मैंने दो प्याज लिया था, इसे मैंने डीप फ्राई कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारा प्याज हो जाना चाहिए। 5-6 मैं यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ लिया है और 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर सूखे नारियल को ग्रेट कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया लिया है। इन सभी मसालों को हमें दरदरा पीस कर रेडी करना है। तो हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में ले लेते हैं और उसके बाद हम इसे दरदरा एकदम देखिए कुछ इस तरह से पीस कर रेडी कर लेंगे। हमें सब्जी के लिए वेज कटलेट बनाना है तो मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं। मैंने 250 ग्राम पत्ता गोभी लिया था, इसे महीन एकदम देखिए मैंने काट लिया है। आप इसे ग्रेट मत करिएगा क्योंकि ये पानी रिलीज़ करता है, तो इसलिए इसे एकदम आप महीन महीन ही काट कर रेडी कीजिएगा। और 1 बड़ी साइज़ की गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है और 1 छोटी साइज़ की शिमला मिर्च को काट लिया है बारीक। 8-10 लहसुन को बारीक काट लिया है। 4-5 हरी मिर्च ले ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सभी चीज़ों को मैंने बारीक काट लिया है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से बाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। कॉर्नफ्लावर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर लिया है। आप चाहें तो पूरा यहाँ पर बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है। तो आपको जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप इसमें बेसन ऐड करिएगा। तो आप पहले थोड़ा ही बेसन डाल के फिर इसे अच्छे से बाइंड कर लीजिएगा सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पर गरम मसाला, थोड़ी सी हींग, 1/2 चम्मच मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ले रही हूँ और हम यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो मैं 1 चम्मच यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें तेल डालूँगी, इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी आएगा। और थोड़ा सा एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो बस अभी इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके हमें इसका कटलेट रेडी करना है। तो उस तरह से एकदम अच्छे से हम इसे बाइंड कर लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने इसमें 2 चम्मच और बेसन ऐड किया था। आप बेसन अपने आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा भी बेसन मत डालिएगा। अब हम इसका कटलेट बनाएंगे। थोड़ा सा मैं अपने हाथों पर तेल लगा ले रही हूँ जिससे कि ये हमारे हाथों पे चिपके ना। और 1 बराबर कटलेट बनाने के लिए हम 1 स्पून ले रहे हैं, उसके हमारे जो कटलेट है वो एकदम 1 साइज़ के ही रेडी होंगे। तो इस तरह से आपको अगर राउंड शेप बनाना है तो आप 1 नींबू का जैसा शेप होता है उतना ही छोटा सा आप पोर्शन लेके उसे गोल कर सकते हैं। मैं इसे सिलेंडर शेप दे रही हूँ, आप इस तरह से देख सकते हैं। मैंने इसे साइड में रखा है और मैं एक आपको और बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से आप लेने का 1 नींबू के बराबर ही पोर्शन लेने का और इस तरह से हमें इसे शेप दे देना है। शेप आप चाहे जो भी अपने जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर शेप दे सकते हैं। इस तरह से हम सभी अपने कटलेट को बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारा कटलेट देखिए बनकर तैयार है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। गैस पर मैंने 1 कढ़ाई रख दी है और तेल हमारा गरम है। तेल हमें मीडियम गरम चाहिए, नहीं तो हमारे जो कटलेट है अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। और एक बार में हम एक ही कटलेट कढ़ाई में फ्राई करने के लिए डालेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, नहीं तो अगर एक साथ हम ज़्यादा डाल देंगे तो आपस में हमारे कटलेट चिपक जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि एक बार में एक ही कटलेट को आप कढ़ाई में डालिएगा। इस तरह से मैंने सारे कटलेट को फ्राई करने के लिए डाल दिया है। अब चारों तरफ से इसे हमें गोल्डन करना है, तो हम इसे पलटते हुए अच्छे से दूसरे साइड से भी एकदम गोल्डन कर लेंगे। और ये देखिए हमारे कटलेट एकदम फ्राई होकर रेडी हैं। अब इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपने सारे कटलेट को फ्राई कर लेते हैं और कटलेट हमारे देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट और कितने जूसी बने हैं और ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं। बस अभी इसे हम साइड में रखते हैं और अब अपनी सब्जी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है, इसे अच्छे से गरम कर लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच बटर डाल रही हूँ। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते हैं तो 1 चम्मच घी ले लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर खड़े मसाले ले रही हूँ। 1 इंच मैंने यहाँ पर दालचीनी, 4-5 मैंने यहाँ पर काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 तेज़पत्ते और थोड़ी सी हींग मिक्स कर रही हूँ। इसे हम चटकने देंगे। उसके बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक को ग्रेट करके रखी हूँ, उसे मैं डालकर इसमें थोड़ा सा इसे 2 मिनट के लिए भुनूंगी। ये भी मैंने 1-1 चम्मच लिया था। इसे अच्छे से देखिए एकदम मैंने गोल्डन कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 2
प्याज को ग्रेट करके लिया है, मैंने इसे पीसा नहीं है, ग्रेट किया है, इसे भी डालकर हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद मैंने 2 टमाटर को भी ग्रेट करके लिया है, इसे भी मैंने एकदम महीन नहीं पीसा है, इसे भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। 8-10 मैं यहाँ पर कड़ी पत्ता ले रही हूँ, आप चाहें तो डालें या इसे स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें हल्दी डालूंगी, तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर नमक ले रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पर गरम मसाला ले रही हूँ और बाकी हमने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच जो मैंने मसाला पीस कर रेडी किया था वो ले रही हूँ। इसमें मैंने मिर्च डाली थी इसलिए मैं यहाँ पर मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद है तो इस टाइम पे ही आप मिर्च इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसे भी हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद हमने यहाँ पर 2 चम्मच टमाटो केचप लिया है, इससे सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे आप स्किप मत करिएगा, जरूर ही इसे डालिएगा। इसे भी डालकर भून लिया है। अब 2 चम्मच मैंने यहाँ पर काजू का पेस्ट बनाया है, उसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/2 कटोरी मलाई लिया है, ये घर का फ्रेश मलाई है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप अमूल का फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और इसे डालकर हम अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और ये हमारा मसाला एकदम रेडी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी पानी ले रही हूँ। पानी आपको जितना आपकी आवश्यकता हो उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी थोड़ा सा हम इसमें लिक्विड थोड़ा फॉर्म में रखेंगे क्योंकि जो हमारे कटलेट हैं वो पानी सोक करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पर ज़्यादा लिया है। अभी हमारी सब्जी पक रही है तब तक हम इसका एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैं एक बर्तन, सब्जी हमारी पक रही है तब तक हम एक इसमें तड़का डालेंगे वो तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 1 चम्मच घी गरम कर लिया, इसमें थोड़ा बटर मिक्स करेंगे, बटर और घी दोनों मिक्स कर लिया है। अब हम 1 चम्मच यहाँ पर बारीक कटा हुआ लहसुन मिक्स करेंगे और 2 मैंने यहाँ पर खड़ी लाल मिर्च ली है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर कसूरी मेथी लूँगी, इससे हमारी सब्जी का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो इस स्टेप को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अभी हमारी सब्जी एकदम रेडी है, अब हम ये तड़का सब्जी में मिक्स करेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए इस तरह से पका लेंगे। और उसके बाद मैंने जो कटलेट बनाकर तैयार किया है वो हम इसमें मिक्स करके उसे भी 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे, जिससे कि जो ग्रेवी है वो हमारे कटलेट में एकदम अच्छे से आ जाए। तो इसलिए बस एकदम हम लो फ्लेम पर इस कटलेट को इस ग्रेवी में छोड़ देंगे और उसके बाद अपनी गैस की फ्लेम को बंद करके हरा धनिया डाल के हम अपनी सब्जी को सर्व करेंगे। सुपर टेस्टी सब्जी हमारी बनकर रेडी है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कुकिंग विद किरण चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।